दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में पन्नों को पलट कर देखें तो अब तक ना जाने कितने कलाकार आए और चले गए। कुछ हिट हुए तो कुछ फ्लॉप। कुछ कलाकारों ने फिल्मों में बड़े बड़े किरदार निभाए लेकिन वो नाम नहीं कमा पाए जो आज याद किया जाए। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने किरदार तो छोटे मोटे निभाए लेकिन उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसे ही कलाकार थे कन्हैया लाल। हिंदी सिनेमा में मिल का पत्थर साबित होने वाली फिल्म मदर इंडिया का लालची और धूर्त लाला तो आपको ज़रूर याद होगा दोस्तों। जी हाँ, इस किरदार को अमर बनाने वाले कन्हैया लाल ही थे। हालांकि इन्होंने 100 से भी ऊपर फिल्मों में काम किया लेकिन असली पहचान मदर इंडिया से मिली। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड को पहला विलन साहूकार कन्हैया लाल जी की शक्ल में मिला था। कन्हैया लाल जी ने अपनी जवानी से ही उम्र दराज किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। लाला सेठ, मुलशी, मुनीम के किरदारों के लिए निर्देशकों की खास पसंद कन्हैया लाल ही हुआ करते थे। कन्हैया लाल को लाला या शाहूकार बनाने का श्रेय मशहूर फिल्मकार महबूब खान को जाता है। उन्होंने ही कन्हैया लाल जी को अपने नाटक औरत में सुखी लाला का किरदार निभाने को दिया था। बाद में इस पर फिल्म भी बनाई और उसमें भी सुखी लाला का किरदार कन्हैया लाल के हिस्से में आया। कन्हैया लाल की फिल्मों में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। बनारस में पैदा हुए कन्हैया लाल का खानदानी काम नौटंकी का था। इनके पिता पंडित धरोदास चौबे बनारस में सनातन धर्म नाटक समाज के मालिक थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने नाटक लिखने शुरू किए और मंच पर छोटी छोटी भूमिका निभाने लगे। पिता की मौत के बाद इनके भाइयों ने नाटक कंपनी चलाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना होने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। नाटक कंपनी से ही परिवार का पेट पल रहा था। जब रोजगार के तौर पर कहीं कुछ नज़र नहीं आया तो कन्हैया लाल ने मुंबई का रुख कर लिया। ये वो दौर था दोस्तों जब नाटक कंपनियां बंद हो रही थीं और दर्शक सिनेमा की तरफ खींच रहे थे। इनके बड़े भाई संकटा प्रसाद पहले से ही बॉम्बे पहुँच चुके थे और मूक फिल्मों में अभिनय भी करने लगे थे लेकिन कन्हैया लाल फिल्मों में अभिनय के इरादे से नहीं आए थे। इन्हें तो बस नाटक कहानियां लिखने और निर्देशन करने का शौक था। इस दौरान इन्होंने कई नाटक भी लिखे लेकिन कामयाबी ना मिलने की वजह से भाई की सलाह पर अभिनय में किस्मत आजमाने लगे। 1939 में आई फिल्म एक ही रास्ता में इन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसमें इनके किरदार का नाम बाकी था। इसमें कोई शक नहीं कि कन्हैया लाल कमाल के कलाकार थे लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन फिल्मकार महबूब खान ने इन्हें एक नाटक में अभिनय करते देखा और इन्हें अपनी फिल्म औरत के लिए दुष्ट लाला सुखी लाल मिल गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 1940 में फिल्म औरत के लिए इसके 17 साल बाद महबूब खान ने इसका रीमेक मदर इंडिया बनाया था और दोनों ही फिल्मों में कन्हैया लाल ने सुखी लाला का किरदार निभाया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कन्हैया लाल जैसा ऐसा कोई कलाकार नहीं जिसने अपनी ही फिल्म के रीमेक में वही किरदार अदा करने का मौका मिला हो। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जहां कलाकारों को मेकअप के बाद कैमरे के सामने लाया जाता था, कन्हैया लाल बगैर मेकअप के ही किरदार निभाते थे। फिल्म औरत से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। फिल्म की शूटिंग के दौरान सारे मेकअप आर्टिस्ट दूसरे कलाकारों में मशरूफ थे। इनका मेकअप करने के लिए कोई खाली नहीं था। इन्होंने अपनी परेशानी सिनेमेटोग्राफर फरीब दूर ईरानी को बताई। ईरानी जोर से हंसे और बोले, तुम फिक्र मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही दिखो और मैं बिना मेकअप के तुम्हारी तस्वीर खींचूंगा। इन्होंने बस वही किया। मेकअप के नाम पर इनके मुंह पर सिर्फ मूछें लगाई गई थीं और इस तरह के किरदारों को जीवंत करने के लिए इन्होंने मेकअप से दूरी बना ली। दुबले पतले दिखने वाले कन्हैया लाल इरादों के पक्के और काम के प्रति बेहद समर्पित थे। औरत की शूटिंग के दौरान ही दोस्तों इनके ऊपर घर का सेट गिर पड़ा था लेकिन इन्होंने निर्देशक महबूब खान से कहा कि पहले शॉट पूरा करें फिर बाद में डॉक्टर को बुलाएं। कन्हैया लाल को काफ़ी चोट लग गई थी। जब ये शॉट देकर बाहर आए तो डॉक्टर मौजूद था। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म औरत में महबूब खान की पत्नी सरदार अख्तर ने मुख्य किरदार निभाया था और यही किरदार 17 साल बाद नरगिस ने मदर इंडिया में निभाया था। कन्हैया लाल ने औरत, मदर इंडिया, उपकार, राम और श्याम, धरती कहे पुकार के, दुश्मन, अपना देश,
तीन बहु रानियां, हीरा और दोस्ती जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोस्तों, 14 अगस्त 1982 को कन्हैया लाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।